हेलो दोस्तों, मैं बागेश सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। और आज मैं आपको बताऊंगा नोटपैड के बारे में। तो चलिए हम शुरू करते हैं वीडियो को। स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे। अगर आपको एप्लीकेशन मिल जाता है तो यहां पे ओपन कर सकते हैं, अगर नहीं मिलता है तो यहाँ टाइप हियर टू सर्च में क्लिक करेंगे। चलिए तो हम शुरू करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे नोटपैड। ये देखिए सबसे ऊपर आपका नोटपैड खुल के आ गया। और इसमें हम क्या करेंगे, आपको फाइल के बारे में बता चुके हैं और एडिट के बारे में पिछली वीडियो हम बता चुके हैं। आज मैं आपको फॉर्मेट और व्यू के बारे में बताऊंगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। फॉर्मेट ऑप्शन का क्लिक क्या होता है, जैसे हम कोई भी डाटा बनाते हैं तो उसमें कहते हैं फॉर्मेट। फॉर्मेट का मतलब हो गया कि जैसे मतलब कोई मॉडल, कोई उसका शब्द का कितना डिजाइनिंग करे, कितना मतलब उसका साइज कितना बड़ा करे। तो हम चलिए इस पर क्लिक करते हैं। तो फॉन्ट पर क्लिक करते हैं। फॉन्ट मतलब साइज होता है। देखिए यहाँ फॉन्ट खुल गया मेरा। अगर हम चाहते हैं जैसे मान लीजिए यहाँ पर कुछ लिख देते हैं। सबसे पहले हम कुछ लिख देते हैं, आपका कुछ लिखते हैं यहाँ पर। अब देखिए हम क्या करेंगे, फॉर्मेट पे जाएंगे और यहाँ पर फॉन्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। फॉन्ट ऑप्शन पर देखिए हम चाहते हैं कि अगर हम चाहते हैं फॉन्ट क्या जो आपका शब्द है उसकी साइज क्या लेना चाहते हैं, तो इस पर क्लिक करेंगे, चूज करेंगे, जो भी आपको अच्छा लगे वो ले लीजिए। और यहाँ पर फॉन्ट स्टाइल मतलब क्या आपको टेढ़ा मेढ़ा शब्द चाहिए या कैसा चाहिए, हम इसको आपको करके दिखा दे रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, हम पहले हम क्या करते हैं, फॉन्ट को बताते हैं, ठीक है। तो फॉन्ट पर हम क्या करते हैं, इस पर हम क्लिक करते हैं नॉर्मल पर, ठीक है। नॉर्मल आपका मॉडल दिया है, नॉर्मल ओके करते हैं और देखिए आपका शब्द क्या हुआ, चेंज हो गए। अगर हम चाहते हैं इस शब्द को टेढ़ा करना, ठीक है, तो फॉन्ट पे जब क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम जाएंगे फॉन्ट स्टाइल पे। अगर हम चाहते हैं इसको टेढ़ा करना या तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इतने ही ऑप्शन दिए हैं, चार ऑप्शन दिए हैं, इसमें हम चाहते हैं जो भी लेना चाहते हैं यहाँ से हम इस पर बोल्ड पर क्लिक करेंगे। बोल्ड पर क्लिक हो गया और हम क्या करेंगे, ओके करेंगे, ये क्या हो गया आपका, चेंज हो गया, ठीक है। यहाँ फिर से क्लिक करते हैं और फिर से एक बार देख लेते हैं, हम चाहते हैं कि आपका ऐसे हो। और देखिए यहाँ पर क्या हो, स्टाइल जो शब्द होते हैं उसके फॉन्ट जो हैं, फॉन्ट का मतलब क्या जो लिखा लिखा हुआ है इसमें, लेकिन जो फॉन्ट स्टाइल है उसका चिन्ह स्टाइल क्या हम टेढ़ा मेढ़ा इसमें क्या होता है, जैसे हम चाहते हैं इसमें क्लिक करते हैं और फिर से आप ओके करते हैं, देखिए आपका स्टाइल आपका चेंज हो गया, ठीक है। फिर से फॉन्ट पर जाते हैं और यहाँ पर हम क्या करते हैं, तीनों को एक बार करके हम दिखाते हैं। देखिए फॉन्ट में जाएंगे, यहाँ पर हम इसको इस ऑप्शन का यूज करते हैं, फॉन्ट में इसको यूज़ कर लेते हैं, मतलब कौन सा शब्द चाहिए, कैसा शब्द चाहिए। और इसमें हम बोल्ड का यूज़ करते हैं, जो गाढ़ा हो, ठीक है, बोल्ड इस पर क्लिक कर लेते हैं। अगर हम चाहते हैं ये जो शब्द आपको दिख रहा है, ये वाला जो शब्द दिख रहा है, हम चाहते हैं काफ़ी बड़ा हो, तो यहाँ पर साइज उसका हम चूज कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम क्लिक करते हैं, जितना साइज उतना ले सकते हैं, यहाँ पर क्या 48 को चूज कर लेते हैं, क्लिक करते हैं और देखिए यहाँ पर शो कर दे रहा है कितना बड़ा होगा, ठीक है, इसको शो कर रहा है। यहाँ पर हम क्लिक करते हैं और यहाँ पर ओके कर देते हैं। अब देखिए आपका साइज जो है काफ़ी बड़ा हो गया और आपको टाइपिंग करने में कोई भी आसानी हो जाएगी, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। और हम चाहते हैं इसको और छोटा करना, तो हम आप क्लिक करेंगे, फॉन्ट पे जाएंगे। फॉन्ट पे जाने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से साइज है अपना छोटा कर सकते हैं या हम इसको सिलेक्ट करके, ठीक है, यहाँ सेलेक्ट करके लिख सकते हैं कीबोर्ड से। मान लीजिए हम लिख यहाँ पर लिख देते हैं कि 48 है, तो हम यहाँ 30 लिख देते हैं, ठीक है। 30 लिखने के बाद हम ओके करते हैं, देखिए आपका साइज जो है, शब्द का साइज जो है वो छोटा हो गया। और हम चाहते हैं टाइपिंग करना इस पर, तो काफ़ी आसान हो गया है। और हम क्या करेंगे, शब्दों को बड़ा करके फॉन्ट के माध्यम से और उसको हम टाइपिंग कर सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, व्यू ऑप्शन का यूज करते हैं। व्यू में क्या आपका दिया है, जूम। अगर हम चाहते हैं जूम करना, जैसे हम कोई शब्द है इसको हम जूम करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, इस पर जूम इन करेंगे। यहाँ पे लिखा है जूम इन, इस पर क्लिक करेंगे, आपका ये बढ़ता जाएगा, लेकिन हाँ एक एक स्टेप में बढ़ेगा। या फिर से व्यू जाते हैं, जूम में जाते हैं और फिर से यहाँ पे क्लिक करते हैं, ये आपका एक एक स्टेप में एक एक बार थोड़ा थोड़ा बढ़ता रहेगा। यहाँ पे देखिए आपका साइज जो है काफ़ी बढ़ता हुआ जा रहा है, जितनी बार करेंगे, जितनी बार क्लिक करेंगे, लेके जाएंगे ऑप्शन का यूज करेंगे, उतनी बार आपका क्या होगा, आपका साइज बढ़ता रहेगा। अगर हम चाहते हैं इसको छोटा करना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से छोटा नहीं करेंगे, अगर हम स्टेप बाय स्टेप अगर बड़ा करना चाहते हैं तब व्यू का यूज करेंगे और जूम का यूज करेंगे और उसको हम छोटा करेंगे, तो आउट करते रहेंगे, आप क्लिक करेंगे और देखिए आपका ये आउट हो रहा है, मतलब छोटा हो रहा है आपका, जूम आउट हो रहा है, ये छोटा हो रहा है। यहाँ पर देखिए ये काफ़ी मतलब जितना हम चाहें स्टेप बाय स्टेप छोटा हो जाएगा। अगर डायरेक्ट आपको बड़ा करना है तो आप क्या कर सकते हैं, फॉर्मेट में जाएंगे
और फाइंड आप फॉर्मेट में जाएंगे और यहाँ पे फॉन्ट ऑप्शन का यूज़ करेंगे, और आप चाहेंगे तो शब्दों को भी चेंज कर सकते हैं, मॉडल भी शब्द को कर सकते हैं और साइज भी बड़ा कर सकते हैं। तो अब इस वीडियो को ही समाप्त करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।